नमस्ते, मैं सोमा पाठक, आप सबकी वेल विशर। आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एंजल नंबर मेनोपॉज के लिए और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। अगर आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स दिख रहे हैं और आप पैनिक हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स से तकलीफ़ हो रही है, तो आप ये मेनोपॉज के लिए एंजल नंबर यूज़ कीजिए। साथ ही साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंस का भी एंजल नंबर देने वाली हूँ उसको भी अवश्य यूज़ कीजिए, क्योंकि इन दोनों एंजल नंबर्स को आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपका मेनोपॉज तो वैसे नेचुरली होना ही है, और जब सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको यूज़ करके नेचुरली हील होने में मदद मिलेगी। और डॉक्टर अवश्य दिखाइए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर आपने रेकी अट्यूनमेंट लिया है किसी योगी गुरु से, आप प्रैक्टिस करते हैं नियमित, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जैसे क्लासेस में सीखा है वैसे ही दोनों हाथों में सिंबल्स, जो भी सिंबल्स आपको मिल गए हैं अट्यूनमेंट में, रेकी सिंबल्स को ड्रॉ कीजिए, रेकी प्रे कीजिए, और साथ ही साथ आपके सेक्रल चक्र में और हो सके तो पैंक्रियाज में दिन में 3 बार एटलीस्ट 10 मिनट्स करके हीलिंग लीजिए, और देखिए आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ ही साथ जब आप एंजल नंबर्स भी यूज़ करेंगे, एंजल नंबर्स का पावर, एंजल नंबर्स का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और ये एंजल नंबर्स, मैं 2 एंजल नंबर्स देने वाली हूँ आप लोगों को, एक मेनोपॉज के लिए और एक हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस वाला जो एंजल नंबर है ये आप लोग में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको किसी को भी अगर पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स का इरेगुलर पीरियड्स होना या पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होना, कोई भी प्रॉब्लम्स हो पीरियड्स रिलेटेड या हार्मोनल चेंजेस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग ये अवश्य यूज़ कर सकते हैं। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जेंट्स में भी बहुत बार देखा जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें भी, तो चाहे तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एंजल नंबर्स के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। एंजल नंबर्स हमेशा नॉन वर्किंग हैंड में, आपका जो नॉन वर्किंग हैंड है, आपका वर्किंग हैंड, आप अगर राइट हैंड से काम करते हैं तो आपका नॉन वर्किंग हैंड है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको क्या करना है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप राइट हैंड साइड में अपने बॉडी के राइट हैंड साइड में ये एंजल नंबर्स लिखिएगा। एंजल नंबर्स यूज़ करने का प्रोसीड्योर क्या है, फर्स्ट आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से कहीं भी लिख सकते हैं, आप चाहे हाथों में लिखे या थाइज में लिखे, ब्लू पेन से एवरी डे लिखना है। सेकेंडली वही एंजल नंबर जो मैं अभी, आप अगर दूसरा कोई एंजल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम आप उन एंजल नंबर्स को लिखिए, और अगर ये मेनोपॉज के लिए लिखना चाह रहे हैं तो इन एंजल नंबर्स को लिखिए, आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिखिए, और साथ ही साथ एक वाटर बॉटल में, जिस बॉटल से आप ज़्यादा पानी पीते हैं उस बॉटल में ब्लू मार्कर पेन से इसी एंजल नंबर को लिख दीजिए। अगर मार्कर पेन आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक वाइट पेपर पर लिख के ये एंजल नंबर लिख के इस पेपर के ऊपर आप बॉटल को रखिए, ताकि एक्टिवेट होता रहे पानी, और वो पानी आपको फर्स्ट टाइम रखने के या नंबर लिखने के मिनिमम 5 मिनट्स तक उसको अलग से रखना है। 5 मिनट्स बाद से आप उस पानी को जितना ज़्यादा हो सके पीजिए, पानी का बॉटल में पानी ख़त्म होने से पहले ही थोड़ा सा पानी बचा हुआ रहेगा, तभी आप फ्रेश वाटर फिर से डाल दीजिए, ताकि वाटर एक्टिवेट होता ही रहे कंटिन्यूसली। ये प्रोसेस आपको कितना दिन करना है, जब तक आपका ये प्रॉब्लम्स क्योर नहीं हो जाता है, बिल्कुल आप ठीक नहीं हो जाते तब तक एंजल नंबर्स यूज़ करना चाहिए कंटिन्यूअसली। ये नहीं कि एक दिन किया एक दिन भूल गए, ऐसे नहीं। और ये एंजल नंबर जो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना और बॉटल में लिखना, ये जो प्रोसेस है ये एक सिम और मोबाइल की तरह है। बिना सिम का अगर
चार्ज फुल चार्ज मोबाइल हो तो भी काम नहीं करेगा, और सिम है पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है आपके मोबाइल में तो भी आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। वैसे ही आपका एंजल नंबर भी वैसे ही वर्क करता है, आपके लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखा होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बॉटल में पानी बॉटल में लिखा रहना चाहिए ताकि उस पानी को पीते समय आपके लेफ़्ट बॉडी पार्ट में लिखा हुआ रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपको एंजल नंबर अच्छा बेनिफिट देता है। इसको कंटिन्यू कीजिएगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो इसी वजह से आपके एंजल नंबर लिखे बॉटल से अगर कोई और मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स के मेम्बर्स कोई भी अगर पानी पी लेते हैं, इसमें डरने वाली या पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जिनके बॉडी में ये एंजल नंबर्स लिखे होते हैं और उस बॉटल में जो एंजल नंबर्स लिखे होते हैं जिनका पानी आप पी रहे हो, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा करता है पर किसी को हार्म नहीं करता है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आइए जानते हैं मेनोपॉज और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एंजल नंबर क्या है। तो मेनोपॉज के लिए एंजल नंबर है 485-1548 और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एंजल नंबर है 3849-19871। इस एंजल नंबर को लिखिए, यूज़ कीजिए जब तक आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। आपको पहले भी बताया कि पीरियड्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं पीरियड्स के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जेंट्स भी इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अगर उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फेस कर रहे हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं। रेकी सीखिए, पॉजिटिव रहिए। नमस्ते।